सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों आज है महीने का आखिरी दिन और मैं लेके आ गया आपके लिए एक बार वापस से टीजी स्मार्टफोन राउंडअप का एक और फ्रेश वीडियो। और यहां पर दोस्तों खैर मार्च के महीने में फोन्स बहुत ज्यादा लॉन्च हो गए हैं। मेरे सामने है कुछ कुछ दोस्तों रखे हैं कहीं और, लेकिन ऐसे में लिस्ट बहुत लंबी है। बात करते हैं डायरेक्टली आखिर क्या है मेरी तरफ से सीधी बात इन्हीं सभी स्मार्टफोन्स के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यहां पे ना हम बात करते हैं जल्दी से करके फोन्स के बारे में, और आप वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए मुझे बताना जरूर नीचे कमेंट करते हुए कि आपको इस महीने जितने फोन्स लॉन्च हुए इस बार तो मतलब बरसात हुई मोबाइल फोन्स की, तो आपको सबसे बेहतरीन फोन कौन सा लगा। यहां पर दोस्तों अगर हम करते हैं शुरुआत और बात दोस्तों होती है सबसे पहले सैमसंग के बारे में, तो सैमसंग गैलेक्सी M12 दोस्तों लॉन्च हुआ अभी। ऐसे में जो फोन है ये एक 90Hz का डिस्प्ले लेके आ रहा था, एक HD डिस्प्ले था, साथ में एक्सिनोस 850 प्रोसेसर 8 नैनोमीटर्स पे बेस्ड, 48 मेगापिक्सल का कैमरा, 6000mAh की बैटरी, जो शुरुआती कीमत वो 10,999 रुपए। अभी ऐसे में सैमसंग ब्रांड को देखते हुए और एक जो उसको पैकेज बना के दिया उस प्राइस के हिसाब से, मेरे ख्याल से जो M12 है वो एक इंटरेस्टिंग ऑप्शन लगता है। और ऐसे में सैमसंग बोलता भी है इसको मॉन्स्टर रीलोडेड। तो बेसिकली अगर आपको एक लंबी बैटरी वाला फोन चाहिए 10,000 के आसपास, अगर आपको एक सैमसंग का फोन चाहिए तो ये काफी इंटरेस्टिंग ऑफरिंग है। फिर दोस्तों बात करते हैं सैमसंग गैलेक्सी A32 के बारे में। अब यहां पर दोस्तों जो फोन है इसको लॉन्च किया गया एक फुल HD प्लस सुपर AMOLED डिस्प्ले के साथ में 90Hz रिफ्रेश रेट को लेकर आता हुआ, साथ में दोस्तों यहां पे 64 मेगापिक्सल का क्वाड रियर कैमरा सेटअप भी था हमारे पास में। लेकिन जो दिक्कत हुई इस फोन में वो था इसमें लगा हुआ हेलियो G80 प्रोसेसर। अब यहां पर दोस्तों जो प्राइस है उसको देखते हुए डेफिनेटली लगता था कि यार यहां पे हमको और बेहतर प्रोसेसर मिलना चाहिए। ऑल्दो सैमसंग गैलेक्सी A सीरीज के जो डिवाइसेस होते हैं वो डेफिनेटली ऑन अ हायर साइड होते हैं दोस्तों प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन स्टिल मेरे ख्याल से इसकी या तो प्राइस कम होनी चाहिए थी या फिर यहां पे साथ में हमको मिलना चाहिए था थोड़ा सा और तगड़ा प्रोसेसर। तो यार ये थी कहानी सैमसंग गैलेक्सी A32 की, कुछ 21,500 के आसपास इसकी प्राइस रखी थी इंडिया में सैमसंग, जो कि मेरे ख्याल से थोड़ी सी ज्यादा रह गई। यहां पर दोस्तों अगर हम बात करते हैं उसके बाद में, तो फिर ओप्पो के दो नए फोन्स आए, ओप्पो F19 Pro और साथ में ओप्पो F19 Pro Plus 5G। यहाँ पर दोस्तों F19 Pro जो है उसमें लगा है MediaTek Helio P95 प्रोसेसर, 48 मेगापिक्सल का कैमरा सेटअप, सुपर AMOLED स्क्रीन भी है, साथ में दोस्तों यहाँ पे 30 वॉट्स की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है, 4300mAh की बैटरी है। इससे ज़्यादा बेहतर अगर आपसे बात करूं तो यहाँ पे दोस्तों ओप्पो F19 Pro Plus को मैं कहूँगा, बिकॉज उसमें हमारे पास में है Dimensity 800 प्रोसेसर 5G के साथ में, अगेन दोस्तों यहाँ पे 50 वॉट्स की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट हमको एक्स्ट्रा मिल जाता है, साथ में दोस्तों जो AI हाईलाइट वीडियो वगैरह है, 48 मेगापिक्सल का क्वाड रियर कैमरा मिलता है, AMOLED डिस्प्ले वगैरह। तो मतलब F19 Pro Plus मेरे ख्याल से एक ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है अगर आप करते हैं कंपेयर दोनों ही फोन्स में। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे नाम आया Motorola का, कंपनी ने ना जोड़ों में फोन लॉन्च किए दो तीन एक साथ। तो यहां पे दोस्तों मोटोरोला लॉन्च किया इंडिया में मोटो G10 पावर और मोटो G30 को। दोनों ही फोन्स मेरे ख्याल से दोस्तों प्राइस को देखते हुए बिल्कुल एकदम सही पोजीशन किए थे मोटोरोला ने। मोटो G10 पावर की कीमत 9,999 रुपए, ऐसे में हमारे पास में स्नैपड्रैगन 460 प्रोसेसर, एक HD प्लस डिस्प्ले, 6000mAh की बैटरी, 48 मेगापिक्सल का कैमरा सेटअप। तो यहाँ पे दोस्तों ये स्टॉक इनोट के साथ में डेफिनेटली एक बहुत ही अच्छी डील था। और यहाँ पे जो G30 था वो भी यार 10999 में 90Hz का HD प्लस डिस्प्ले, 64 मेगापिक्सल का कैमरा, स्नैपड्रैगन 662 प्रोसेसर, इसी के अलावा साथ में 5000mAh की बैटरी। तो यार मेरे ख्याल से दोनों ही फोन्स क्योंकि आते हैं क्लीन स्टॉक एंड्रॉइड के साथ में तो हमको कंप्लेंट नहीं करनी चाहिए, और काफी सही पोजीशन की है मोटोरोला ने इंडिया में G10 पावर और G30। फिर दोस्तों बात करते हैं तो यहां पे ROG फोन 5 आया Asus की तरफ से। अब इस फोन के बारे में यार क्या ही दोस्तों बोले, यहां पे सब कुछ ही पैक किया हुआ है, बेस्ट अवेलेबल दोस्तों जो भी हार्डवेयर है अगर आपसे बात करता हूँ एक ट्रू गेमिंग स्मार्टफोन बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यहाँ पे हमको इस फोन में सभी चीज़ें मिलती हैं। और ऐसे में शुरुआती कीमत 49999 की 8128 वेरिएंट के लिए वो मेरे ख्याल से बिल्कुल जस्टिफाइड है यार। लेटेस्ट प्रोसेसर, 6000mAh की बैटरी, 144Hz का डिस्प्ले, साथ में हमको शोल्डर बटन मिल जाते हैं, और मतलब जो कंप्लीट पैकेज है वो बड़ा ही सही है यहाँ पे इसी ROG फोन 5 का। अगर आप एक गेमर हैं तो डेफिनेटली मतलब कोई ऑप्शन आपके पास में होना ही नहीं चाहिए इस फोन के अलावा इंडिया में अभी खरीदने को। यहाँ पर दोस्तों
दोस्तों इसके अलावा फिर सैमसंग लेके आया अपने दो नए फोन्स A52 और A72। यहाँ पे दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग काम हुआ है बिकॉज हमारे पास में फॉर एग्जांपल नए फीचर्स मिलते हैं IP रेटिंग जैसा, या फिर OIS, या फिर हमारे पास में दोस्तों यहाँ पे नो AMOLED स्क्रीन सैमसंग के, स्नैपड्रैगन 720G प्रोसेसर। तो मतलब यहाँ पे गैलेक्सी A सीरीज में नए डिज़ाइन ब्राइट कलर्स के साथ में सैमसंग ने काफ़ी सही काम किया A52 और A72 स्मार्टफोन्स में। यहाँ पे जो दोस्तों बात करता हूँ अगर आपसे इन फोन्स में प्राइसिंग को लेके, तो कुछ 26,500 के आसपास, 27,000 के आसपास A52 की प्राइस है और 35,000 के आसपास A72 की प्राइस है। अगेन प्राइस ऑन द हायर साइड आपको लग सकती है, लेकिन दोस्तों फिर अगर हम बात करते हैं सैमसंग की तरफ से आने वाले और कुछ सैमसंग एक्सक्लूसिव फीचर्स की, या फिर सैमसंग ब्रांड वैल्यू वगैरह की, और यहाँ पे जो फोन्स का हार्डवेयर भी है ये काफी हमको सॉलिड मिलता है, तो ये है गैलेक्सी A52 और A72 स्मार्टफोन्स। फिर दोस्तों यहाँ पे आगे लिस्ट में रेडमी नोट 10 लाइनअप है भैया हमारे पास में पूरा का पूरा, नोट 10, नोट 10 प्रो, नोट 10 प्रो मैक्स। कोई कंप्लेन नहीं है इन फोन से एक्सेप्ट MIUI, मैं कहूंगा अगर आप MIUI को झेल सकते हो तो यहां पर दोस्तों ये तीनों ही फोन्स आई मीन नो ब्रेनर हैं। यहां पे जो हमको हार्डवेयर प्रोवाइड किया है दोस्तों Xiaomi ने इन तीनों ही फोन्स के साथ में, स्टीरियो स्पीकर्स या AMOLED डिस्प्लेज, या फिर प्रो फोन्स में तो मतलब 120Hz का AMOLED स्क्रीन, साथ में दोस्तों यहां पे जो कंप्लीट हमको नो एक बेहतरीन सा कॉम्बिनेशन दिया है ना हार्डवेयर का, उसमें कोई डाउट नहीं बोलूंगा कि यहां पे ये तीनों ही फोन्स Redmi Note 10, Note 10 Pro और Note 10 Pro मैक्स बहुत ही सही जगह पे फिट होते हैं, प्रोवाइडेड कि आप MIUI के साथ में कंफर्टेबल है। तो मतलब इन फोन्स के बारे में तो 11,999 रुपए दोस्तों की कीमत शुरू हो जाती है Redmi Note 10 लाइनअप की, और जाती है जैसे आगे बढ़ते हुए, तो मतलब यहाँ पे ना ये एकदम बढ़िया अपनी वैल्यू जस्टिफाई करते हैं। हाँ फ्लैश सेल्स वगैरह का पंगा थोड़ा सा रहता ही है, लेकिन हाँ फोन्स में कोई भी दिक्कत नहीं कहूंगा हार्डवेयर पॉइंट ऑफ व्यू से। इसी के अलावा दोस्तों अगर आपसे बात करता हूँ तो यहाँ पे फिर माइक्रो मैक्स का इन वन आता है, जो कि आता है 9,999 रुपए की प्राइस के साथ में, और ऐसे में ये फोन भी क्लीन एंड्रॉयड इंडियन ब्रांड, G80 प्रोसेसर, 48 मेगापिक्सल्स का कैमरा, साथ में दोस्तों हमारे पास में 5,000 mAh की बैटरी, और मतलब यू नो कंप्लीट जो एक पैकेज बना के ऑफर किया है अभी हमको माइक्रोमैक्स ने, वो बहुत ही सही है इसी इन वन स्मार्टफोन का। और ऐसे में यार उम्मीद करते हैं कि आगे चल के इंडियन ब्रांड्स ऐसे ही और आगे बेहतरीन काम करते रहे। आगे दोस्तों लिस्ट में यहाँ पे आते हैं हमारे पास में, अब जाके देखो जो फोन है ना वो मेरे हाथों पे आने वाले यहाँ पे आए हैं। तो यहाँ पे दोस्तों ये है OnePlus 9 Pro, OnePlus 9R जो है वो भी दोस्तों साथ में लॉन्च हुआ। तो OnePlus 9 सीरीज आई मीन प्राइस डेफिनेटली बहुत लोग बोलेंगे कि OnePlus की प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो यार अगेन फिर ब्रांड वैल्यू भी है OnePlus की, जो OnePlus ने अपने आप से बढ़ाई है, और जो फोन में आपको दोस्तों मिल जाता है कंप्लीट पैकेज उसमें भी कोई दिक्कत मैं नहीं बोलूंगा। और ऐसे में OnePlus 9R स्नैपड्रैगन 870 के साथ में, OnePlus 9 जो है वो आता है स्नैपड्रैगन 888 के साथ में, 9 Pro आता है अगेन 888 के साथ में, और यहाँ पर दोस्तों इनमें है Hasselblad वाला जो कैमरा कोलैबोरेशन हुआ है OnePlus और Hasselblad के बीच में। तो यहाँ पर दोस्तों अगेन OnePlus के फोन हैं टिपिकल, जैसे कि आप जानते हैं आपको एकदम फास्ट स्मूथ परफॉर्मेंस मिलती है, अच्छे सॉफ्टवेयर अपडेट्स भी मिल जाते हैं, और जो कंप्लीट डिजाइन या बिल्ड वगैरह है उसमें यू नो कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं है। तो यहाँ पे OnePlus 9 सीरीज ऑल इन ऑल अगर आप 9R लें या 9 लें या 9 Pro लें कोई दिक्कत मैं नहीं बोलूंगा, और ऐसे में आपको काफी एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा स्मार्टफोन पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर दोस्तों अगर हम बढ़ते हैं आगे तो फिर Realme लेके आता है ये अपने दो नए फोन्स Realme 8 और Realme 8 Pro। ये फोन्स में कोई दिक्कत नहीं है, टू बी ऑनेस्ट दिक्कत ये हो गई है कि बहुत ज़्यादा बोरिंग हो गए हैं, बहुत ज़्यादा दोस्तों सेम चीज़ें रियलमी ने ऑफर करती हैं। फॉर एग्जांपल रियलमी 7 के अंदर भी G95 था, 8 के अंदर भी G95 प्रोसेसर है, या रियलमी 6 प्रो और 7 प्रो के अंदर भी 720G था, अभी रियलमी 8 प्रो में भी 720G है। हाँ यहाँ पे डिज़ाइन वगैरह चेंज हुआ है, कैमरा दोस्तों यहाँ पे रियलमी 8 प्रो में जो है अभी हमको मिलता है 108 मेगापिक्सल्स का, और यहाँ पे रियलमी 8 में फॉर एग्जांपल सुपर AMOLED डिस्प्ले वगैरह भी आ गया है। तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि नो एकदम बेकार फोन बना दिया है, फोन्स डेफिनेटली बहुत अच्छे हैं, और प्राइस जो है वो भी काफ़ी अग्रेसिव रखी है। यहाँ पे दोस्तों 17,999 रुपये जो कीमत है इस रियलमी 8 प्रो की वो डेफिनेटली काफ़ी अग्रेसिव लगती है। लेकिन अगर आपसे बात करता हूँ कॉम्पिटिशन को देखते हुए, तो इस बार जो है वो लगता है कि यार कहीं ना कहीं जो बाजी है वो Xiaomi ने मार ली है अपने रेडमी नोट 10 लाइनअप के साथ में। बट खैर अगेन अगर आप रियलमी यू नो के फैन हैं, अगर आप रियलमी को पसंद करते हैं, तो ये दोनों फोन्स डेफिनेटली यू नो मतलब ऑफकोर्स अभी लेटेस्ट है मार्केट में रियलमी की तरफ से, और काफ़ी ठीक तरीके से अपनी वैल्यू जस्टिफाई करते हैं, बट हाँ काफ़ी मोनोटोनस हो गए हैं अगर आप कंपेयर करते हैं इनको अपने पुराने वर्जन से। फिर दोस्तों यहाँ पे आता है हमारे पास में नाम वीवो का, और वीवो ने लॉन्च किया वीवो X60, X60 Pro और X60 Pro Plus। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं Zeiss कैमरा की, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं गिम्बल कैमरा की। अगेन दोस्तों फ्लैगशिप फोन्स हैं, ये आता है Qualcomm Snapdragon 870 के साथ में, ये आता है 888 के साथ में,
और कैमरा पॉइंट ऑफ व्यू दोस्तों, मतलब कोई कंपैरिजन में बोलूंगा ही नहीं। आई मीन जितना कैमरा मैंने यूज़ किया ना इन फोन्स का, बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। आपको बहुत ही शानदार दोस्तों मिल जाती है कैमरा परफॉर्मेंस। और ऑल इन ऑल इसके अलावा दोस्तों एकदम फ्लैगशिप फोन से काफ़ी स्लीक डिज़ाइन है, प्रीमियम यू नो यहाँ पे आपको मिल जाते हैं मटेरियल्स। उसके अलावा जो परफॉर्मेंस है उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। डिस्प्ले है 120 हर्ट्ज़ का हमारे पास में सुपर एमोलेड वाला, तो आई मीन ये फोन भी बहुत सही है। अब अगेन जो कीमत दोस्तों शुरू होती है वो करीब करीब 38,000 से होती है। X60 के लिए 50,000 का है X60 प्रो और 70,000 का है X60 प्रो प्लस। तो ये है इस महीने के सभी फोन्स। पता नहीं कुछ अगर मिस भी हो गए तो, बिकॉज लिस्ट बहुत लंबी आई है भाई इस बार तो। फोन्स ना मतलब भयंकर लॉन्च किए कंपनीज ने। आप बताओ कि आपको अपना सबसे ज्यादा फेवरेट वाला फोन कौन सा लगा इन सभी में से दोस्तों। बस फिलहाल में इतना ही। देखने के लिए आपको धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई और सवाल सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने वीडियो को लाइक या शेयर नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियोज लेके आता रहता हूँ। दोस्तों फिलहाल में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।